दोस्तों आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि कोई दिया गया नंबर किस नंबर से या किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले हम 2 का चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, कोई नंबर अगर हमें जो दिया गया होता है, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 हो या फिर कोई इवन नंबर, तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। एग्जांपल के रूप में 1515 अगर लिखा है या 3250 लिखा है या 428 लिखा है या फिर 72516 लिखा है, तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं, 2 कंडीशन चेक करने होते हैं। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो नंबर दिया गया है उसकी यूनिट प्लेस पे या यूनिट डिजिट क्या है। अगर यूनिट डिजिट 0 हुआ या फिर कोई इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब होता है वे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों। पहला नंबर हमारा 15 है जिसका यूनिट डिजिट है 5, जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट नंबर है 3250 और इसका यूनिट डिजिट है 0, तो यह नंबर होगा डिविजिबल बाय 2। इसके बाद हमारा जो नंबर है 428 और इसका यूनिट डिजिट है 8, 8 एक इवन नंबर है, इसलिए यह नंबर भी डिविजिबल होगा 2 से। नेक्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 6 है जो कि इवन नंबर है और इसलिए यह नंबर भी डिविजिबल बाय 2। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जानेंगे कि कोई नंबर दिया गया है तो 3 डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 या डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम दिए गए नंबर के डिजिट्स का सम निकालते हैं और अगर सम 3 से डिविजिबल होता है तो दिया गया नंबर 3 से डिविजिबल होगा। उदाहरण के लिए हम कोई नंबर ले लिए 3142। अब इसके डिजिट्स का सम निकालेंगे, 3 + 1 + 4 + 2, 3144 और 4 मिला के 8 हुआ और 2 ऐड किए तो 10। हम जान रहे हैं कि 10 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। 10 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जो गिवन नंबर है 3142 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, 521। अब हमारा नंबर आ गया 5211। हमें जानना है कि यह नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले हम डिजिट्स का सम निकालेंगे, 5 + 2 + 1 + 1।
5 2 7 8 एंड 9। 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, 9 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब हम जानेंगे कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। अब हम देखेंगे कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं उसके अनुसार हम देखेंगे कि दिए गए नंबर के जो लास्ट टू डिजिट मिलकर जो नंबर फॉर्म कर रहे हैं वो 4 से डिविजिबल हैं या नहीं। अगर लास्ट टू डिजिट से बना नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो दिया गया नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम एक नंबर ले रहे हैं 144, लास्ट टू डिजिट 4 एंड 4 है। हम जानते हैं कि 44 4 से डिविजिबल है। 44 इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 144 इज डिविजिबल बाय 4। अगर हम कोई दूसरा नंबर लें 3431, यहाँ की जो लास्ट टू डिजिट हैं 3 और 1 है, 3 1 मिलके 31 बनाते हैं। 31 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए गिवन नंबर 3431 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब कोई और नंबर लेके देखते हैं 5248, लास्ट टू डिजिट 4 एंड 8 है, 4 एंड 8 मिलके 48 फॉर्म करेंगे और हम जानते हैं कि 48 4 से डिविजिबल है, इसलिए जो गिवन नंबर है 5248 इज डिविजिबल बाय 4। नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 के बाद हम 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। Divisibility test of 5, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए हम देखते हैं कि गिवन नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। अगर यूनिट डिजिट 0 हुआ या फिर 5 हुआ तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। उदाहरण के लिए हम कुछ नंबर लेके देखते हैं 52, पहला नंबर हमने 52 लिया, दूसरा नंबर ले रहे हैं 630, चौथा नंबर ले रहे हैं 4325 और 5324 और नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं 2330। तो जैसा कंडीशन है कि यूनिट डिजिट अगर 0 हो या फिर 5 हो तो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, ना तो 0 है ना तो 5, इसलिए यह नॉट डिविजिबल, नो। नेक्स्ट नंबर 730 जिसका यूनिट डिजिट 0 है, इसलिए यह 5 से डिविजिबल होगा, यस। नेक्स्ट नंबर है
4325, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसलिए यह नंबर 5 से डिविजिबल है। उसके बाद नंबर है 5324, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, इसलिए नॉट डिविजिबल होगा, नो। और नेक्स्ट नंबर है 2030, यूनिट डिजिट इज 0, और अगर यूनिट डिजिट 0 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। यस, अब हम 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, इसके लिए जो रूल्स है, जो नियम है, उसके लिए हम देखते हैं कि जो नंबर दिया गया है वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। दिया गया नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो दिया गया नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। उदाहरण के लिए हम कुछ नंबर लेके देखते हैं, 4, 3, 2, 1। टू 4,343,212। और एक नंबर हम लेते हैं 5,125। अब हमें पूछा जाए कि ये दोनों नंबर 6 से डिविजिबल हैं कि नहीं, तो हम चेक करेंगे कि दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं या नहीं, और अगर है तो फिर 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिया, तीसरा नंबर 2151। पहला नंबर है 43,212। अब तीनों नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल होंगे और 3 से भी डिविजिबल होंगे तो दिया गया नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो पहला नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 है तो स्पष्ट है कि पहला नंबर 2 से डिविजिबल है। अब यह नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम इसके डिजिट का सम फाइंड करेंगे। 4 + 3 = 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, और 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12। 12 3 से डिविजिबल होता है। तो 43,212 जो नंबर दिया गया है वह 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए यह नंबर 6 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट नंबर 5,125, इसका यूनिट डिजिट ना तो 0 है ना फिर कोई इवन नंबर, इसलिए यह तो क्लियर हो गया कि यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं 5125 का जो सम ऑफ डिजिट है वो क्या है। 516 होता है, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो 13 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, और अगर 5 के जगह पे 4 होता, लास्ट डिजिट अगर 5 ना होके 4 होता, या कोई भी नंबर होता कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो और यूनिट डिजिट 0 या इवन नंबर ना हो, इवन नंबर हो तो नंबर 6 से डिविजिबल होता। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन नहीं है, 5125 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर दोनों से ही डिविजिबल होता तो हम कहते हैं कि नंबर 6 से डिविजिबल है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट नंबर है 2151,
1 एक ऑड नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है, और सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 2 1 3, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ गया, 3 5 8 9। अब 9 तो 3 से डिविजिबल है लेकिन दिया गया नंबर को हम ये तो कह सकते हैं कि दिया गया नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। कंडीशन ये होती है कि 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, इसलिए 2151 इज आल्सो नॉट डिविजिबल, नो। अब हम 7 का चेक करेंगे कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल है या नहीं है। Divisibility test of 7 से चेक करने के लिए हम दिए गए नंबर के जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं उनको देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट मिलके जो नंबर फॉर्म करेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट्स नंबर फॉर्म कर रहे होंगे दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, और डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल हुआ तो दिया गया नंबर 7 से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर ले लें, 21527। अब हम लास्ट 3 डिजिट देख रहे हैं, 527 है। अब हम डिफरेंस निकालेंगे रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आएगा, 0 एंड 5। 506 डिविजिबल नहीं है 7 से, इसलिए जो दिया गया नंबर हमारा है वह 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, 7 2 1 2 4। अब जो लास्ट 3 डिजिट है 124 माइनस 72 2 5, 52 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, इसलिए जो नंबर है 7 2 1 2 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब हम कोई और एग्जांपल लें, जैसे कि 343 जिसमें कि 3 डिजिट ही है। अब 3 डिजिट मिलके 343 ही बना रहा है, और रिमेनिंग डिजिट को हम 0 मान लें तो 343 माइनस 0 इज इक्वल टू 343 ही आना है। हम जानते हैं कि 343 7 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 343 7 से डिविजिबल नंबर है। कुछ एक एग्जांपल और लेने चाहिए, 2 4 0 1। शर्त के अनुसार हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे क्या नंबर फॉर्म कर रहा है, तो 401 फॉर्म किया गया। अब हम 401 में से जो रिमेनिंग नंबर
निम्न डिजिट्स नंबर फॉर्म कर रहे हैं उसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो 11 में 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, 9, और यहाँ पे 3 आया, 399 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 75 जा 35, 4 एंड 77 जा 49, 399 7 से डिविडिबल है, डिवाइड हो गया, इसलिए गिवन नंबर 2401 इज डिविजिबल बाय 7। अब 8 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिया जाए, कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो दिए गए नंबर के जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, लास्ट 3 डिजिट मिलके जो नंबर फॉर्म करेंगे, अगर वह 8 से डिविजिबल हुआ तो दिया गया नंबर भी 8 से डिविजिबल होता है, जैसे 4 2 1 4 2 4 5 1, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम ले रहे हैं 2 4 3 4 8 4, एक नंबर और ले लेते हैं 3 0 1 4 4 8। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो पहला नंबर के लास्ट 3 डिजिट हैं 451 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 451 इज डिविजिबल बाय 8 आर नॉट, तो डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा दिया गया नंबर है वह नॉट डिविजिबल है। इसका आंसर होगा नो। अब हम अगले डिजिट नंबर को देखेंगे 243484, लास्ट डिजिट है 484। 484 को अगर हम डिवाइड करके देखें 8 से, तो 8 से जा 48 होता है और फिर 4 आएगा रिमाइंडर, ये भी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है 8 से, इसलिए जो गिवन नंबर है ये भी नॉट डिविजिबल बाय 8 है। इसका आंसर हम लिखेंगे नो। और नेक्स्ट नंबर है 3 0 1 4 4 8 4 4 8 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा यस, क्योंकि 8 5 जा 40, 4 रिमाइंडर आएगा, 8 नीचे आएगा, तो फिर 4 4 4 8 6 जा 48। अब इस पूरे नंबर को अगर हम डिवाइड करके देखना चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं, 301448 निश्चित रूप से 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जो रिमेनिंग नंबर हैं, जैसे 9 10 11 12 या उसके आगे के नंबर, वो किस किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं या उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट की क्या कंडीशंस हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमी या कोई गलती मिली हो तो
प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।